में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लिफ्ट देकर जंगल की ओर मोड़ दी बाइक। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद का हुआ स्वागत। पराली जलाने को लेकर किसानों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। हमीदपुर नादौन की बेला पंचायत में एक युवती के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया। बाइक सवार दो युवकों ने पहले युवती को लिफ्ट दी और उसे जंगल की ओर ले गए, जिस पर युवती ने चलती बाइक से छलांग लगा दी। इस दौरान युवती के मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई है। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और इसे अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। राष्ट्रपति कोविंद 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सिरसा में पराली की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने किसानों पर सख्ती करनी शुरू कर दी। सिरसा में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माने के साथ ही 6 महीने तक जमीनी रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।